hi guys वेलकम बैक to probably the मोस्ट important लेक्चर इन दिस होल मॉड्यूल which इज़ हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है और सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विच इज़ हाउ टू सेलेक्ट यूर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किन फैक्टर्स की बेसिस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ किए जाएँ उनकी बेसिस पे कैसे इवेलुएट किया जाए और एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है देर इज एन इन्फॉर्मेशन वैक्यूम इन द मार्केट रिगार्डिंग अ कंपेरिटिव अनालिसिससेज दैट आर अवेलेबल इन सी एस एस और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को देर इज़ अ डर्थ ऑफ गाइडेंस एंड देर आर ऑल्सो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स अवेलेबल सो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन फ्लोडिंग अराउंड एस्पेली फॉर एस्परेंट्स हु आर न्यू टू सोशल इन सी एस एस तो उनकी आसानी के लिए ये बहुत एक अहम लेक्चर है कि जिसकी बेसिस पे आपके लिए अपने कोर्सेस सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा आई एम श्योर सो आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री थिंग्स सो फर्स्ट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेसिस पे आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके अगेंस्ट आप मेजर करना चाहिए हर कोर्स को तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपके पर्सनल इंडिविजुअल लेवल के स्किल्स हैं दूसरा आपका पर्सनल इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में तीसरा उस सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग नेचर कितनी है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ चौथा उस सब्जेक्ट की इट्स नेचर क्या है क्या उसका सिलेबस और नेचर के अंदर दो चीज़ें आएंगी कि क्या इसका सिलेबस लंबा है या छोटा है तो क्या सिलेबस की साइज़ एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा नेचर ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर और दूसरा उसकी क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं तो वो उसके जो सवालों की नेचर है वो क्या है और आखिरी उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और इस पर इन पाँचों के गिर्द हम थोड़ी सी एलेबरेट डिस्कशन करेंगे सो so, सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्किल की तो सबसे पहली चीज़ आपने किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए देखनी चाहिए कि आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है वट इज़ योर ओन बैकग्राउंड नॉलेज दिस एप्टीट्यूड एंड नॉलेज में कम फ्रॉम योर डिग्री और मेजर आपने यूनिवर्सिटी में चार साल एक कोर्स को पढ़ा है या एक फील्ड को पढ़ा है तो आपका ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वर एन ईक ऑन मेजर तो एकनॉमिक्स आपको ऑप आप करना चाहिए बिकॉज आपका एक अच्छा उसमें कमांड और ग्रिप आपकी ऑलरेडी बनी हुई है इफ़ यू आर फ्राम पोलिटिकल साइंस बैकग्राउंड तो आपको पोलिटिकल साइंस ऑप करना चाहिए एक सब्जेक्ट भी अच्छा है और आपकी ईजी उस पर कमांड भी डिवेलप हो जाती है इसी तरीके से अगर आप किसी साइंसिस बैकग्राउंड से हैं एंड एंड गिवन के आपका उस साइंसिस के बैकग्राउंड के साथ उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड डिवेल्प हो जाए Uh, कि आपने सर मेरी तरह इंजीनियरिंग नहीं की अगर आपने अच्छे तरीके से की है तो आपको कुछ साइंसिस सब्जेक्ट्स पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी सो इफ एंड ऑनली इफ यू हैव दैट कमांड तो आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना अच्छी बात होती है सो दिस बैकग्राउंड नॉलेज एंड एप्टीट्यूड मे कम फ्राम योर डिग्री और मेजर और इट मे ऑल्सो कम फ्राम योर जनरल नॉलेज और इट कम फ्राम योर हैबिट ऑफ रीडिंग एंड बींग कनेक्टेड जनरली विद दीज अफेयर्स सो so, uh, जरूरी नहीं है कि आपका उसमें बैकग्राउंड हो कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि आपने जिंदगी में उनके मतलक बहुत पढ़ा है आउट ऑफ योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट तो अगर आपने सोशल साइंसेस की वो वाले सब्जेक्ट्स जो आपको इंटरेस्ट आपका नॉलेज उन पर ऑलरेडी है उनको ऑप्ट करना चाहिए सो फॉर इंस्टेंस आप बीइंग फ्रॉम अ साइंसेस बैकग्राउंड आई वाज इनटू रीडिंग अ लॉट और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और जेंडर जो मेरे जितने ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स थे उन पे ऑलरेडी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारी किताबें जनरली आर्टिकल्स ड्यूरिंग डिबेट्स एज वेल तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन थी इन कोर्सिस की इन डेप्थ सो इट मेड अ लॉट ईजियर फॉर मी टू गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स सो मैंने वही सब्जेक्ट सॉप्ट किए कि जिन पर मैंने जिंदगी में काफ़ी ऑलरेडी रीडिंग की हुई थी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ था ऑलरेडी उनको सो वाइल सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट द फस्ट चॉइस दट यू शूड मेक इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट विद विच यू हैव स्किल्स ओवर आपके उस पर ऑलरेडी नॉलेज है आपकी ऑलरेडी उस पर एक अच्छी फाउंडेशन एग्जिस्ट करती है तो आपको वो ये आपका पहला फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए सब्जेक्ट चूज़ करते हुए The second thing that you should consider is your personal interest. This is slightly different from skill. This may, this is something के कब कभी कबार इस तरह होगा कि सारे optional subjects में obviously आपका knowledge नहीं होगा. There very few people uh, who are so well uh, read or diversely diverse उनकी knowledge होती है और diverse subjects के ऊपर उनकी broad understanding होती है. But for most of people हो सकता है कोई एक आधा subject आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपका background knowledge है और बाकी के subjects आपके लिए नए हो. अब उसके अंदर एक इंटरेस्ट का फैक्टर आपने देखना है कि आप देखें कि इसमें मुझे किस में मजा आ रहा है पढ़ने में या कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे इंटरेस्ट करता है मेरी इस पर कमांड तो नहीं है इवन दो आई डोंट हैव लॉट ऑफ़ नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट इवन दो आई डोंट हैव अ ऑफ़ स्किल ऑन दिस सब्जेक्ट इवन दो मैंने ये जिंदगी में इस पर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इस सब्जेक्ट को इस पर रीडिंग एज सच नहीं की बट इसके टॉपिक्स इसके कॉन्टेंट्स और जब मैं इसके पास पेपर्स के सवाल देखता हूँ तो मुझे ये इंटरेस्ट करता है जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की तो मुझे ये समझ आती है मज़े का भी लग रहा है और मुझे अंडरस्टैंडिंग भी इसकी डिवेलप हो रही है मेरी तो फिर ये इसका मतलब कि आपको सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट है इवन दो यू डू नॉट हैव द नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट तो ये दूसरा फैक्टर है जो आपको करना चाहिए सो so, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक आ गया तीसरी एक बहुत अहम चीज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन में होती है कि इस सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग नेचर कितनी है बिकॉज सबसे अहम चीज़ जो है वो दो रिसोर्स हैं जो सबसे uh, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सी की तैयारी के दौरान और सी में कामयाबी के लिए उसमें एक तो आपका नॉलेज और दूसरा आपका टाइम और ये दोनों चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं आपका नॉलेज भी लिमिटेड है एंड योर कैपेसिटी टू इंप्रूव योर नॉलेज योर कैपेसिटी टू इंहानस योर नॉलेज योर कैपेसिटी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स योर कैपेसिटी टू लर्न न्यू आइडियाज़ ये आपकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है कि आप कितना नया नॉलेज सीख सकते हैं ये लिमिटेड कैपेसिटी में है और इसी तरह वक्त भी आपका लिमिटेड है बहुत महदूद वक्त है आपने सात महीने तैयारी करनी है पाँच महीने करनी है तीन महीने करनी है एक साल करनी है हर बंदे का डिफरेंट टाइम जो पर स्टार्ट करते हैं बट डिस्पाइट दैट बारह सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन का मतलब है कि आपके पास वक्त लिमिटेड होगा आप बीच में स्ट्रेस आउट भी होंगे उसके लिए भी हमने आगे वीडियोस बनाई हैं मगर जनरली काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं तो द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ द कॉम्बिनेशन दैट इज़ एन ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन सो दैट एक तो आपका टाइम बचेगा जब ओवरलैपिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स उठाते हैं आप तो आपका सबसे पहले तो वक्त बचता है विच इज़ very important i cannot overstate that enough how important it is to optimize your time during preparation and secondly overlapping each other subject the cross-fertilization of knowledge जो क्रॉस मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज आपका डेवलप होता है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस उठाया है तो उसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी तैयार हो रहा है आपके सोशियोलॉजी का नॉलेज इंप्रूव रहा हो रहा है आपका एस भी प्रिपेयर हो रहा है आपकी पाकिस्तान अफेयर्स भी इंप्रूव हो रही है आपके करंट अफेयर्स पर भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो दैट इन्हासेज योर नॉलेज मनी फोर्ड्स क्योंकि आपके पास लिमिटेड एबिलिटी है या कैपेसिटी है टू इन्हांस नॉलेज इन सच लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तो अगर आप ओवरलैपिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स को उठाएंगे तो आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का नॉलेज जो है वो तैयार होगा आई होप आई वॉज एबल टू ड्राइव दिस पॉइंट होम बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये जरूरी लेकिन नन द लेस दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फाइव फैक्टर्स जैसे कि अब आपने केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरह का को कोई सब्जेक्ट ऑप करें और आपके उस सब्जेक्ट में कमांड बहुत ज़्यादा है ठीक है तो फिर आप कहेंगे ये लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है तो मैं नहीं उठाता तो ऐसा भी नहीं है आपने ओवरलैपिंग को प्राइमरी फैक्टर नहीं समझना वन ऑफ द फाइव फैक्टर समझना है अगली चीज़ है नेचर ऑफ सब्जेक्ट नेचर ऑफ सब्जेक्ट से मुराद दो चीज़ें हैं कि एक उसकी सिलेबस की एक्सटेंड क्या है कि उसका सब्जेक्ट कितना ज़्यादा है कितना कम है और उसके नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या हैं एक्सटेंड ऑफ सिलेबस का अंदाज़ा आपको उसका सिलेबस देख भी होता है सबसे पहले तो कि कितने ज़्यादा उसके अंदर टॉपिक्स मौजूद हैं कितनी डेप्थ कितनी विथ्थ है उस कोर्स के सिलेबस के अंदर और दूसरी चीज़ है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आप जब पास पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपने दो चीज़ें देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पास क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं अगर तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो दैट इज़ अ गुड सब्जेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली दैट मेक्स योर अ लॉट ईजियर बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज़ मोर प्रिडिक्टेबल जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है उसकी प्रपरेशन आसान हो जाती है compare to a subject with which we have more arbitrarily changing nature of questions. So ये पहली बात. और दूसरी चीज जो आपने questions में देखनी है past papers में subject को choose करते हुए अपने potential subject में, वो है कि उसके सवालों की nature क्या है क्या open ended सवाल आते हैं या closed ended सवाल आते हैं? ओपन एंडेड सवाल क्या होते हैं क्लोज एंडेड क्या होते हैं मैं बड़ी लूज सेंस में यूज़ कर रहा हूँ सो दैट जो भी स्ट्सटिशनस uh, हैं या सोशोलॉजिस्ट्स हैं प्रोफेशनल वो एतराज़ ना करें मैं बड़ी लूज टर्म क्लोज ओपन एंडेड यूज़ कर रहा हूँ नॉट हाउ इट्स यूज इन सर्विस बट ऑबियसली बिल्डिंग ऑन दैट आइडिया कि क्वेश्चन अगर तो सीधे साधे आते हैं कि जिसमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है तो दैट्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन मगर कोई ऐसा सवाल है कि जिसमें बहुत बहुत चीज़ें आ सकती हैं और कोई उसका एंड नहीं है तो दैट्स एन मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे आईआर का एक सवाल है कि द वर्ल्ड हैज़ बीन टर्न अप साइड डाउन बाय नाइन इलेवन एलुसीडेट दिस स्टेटमेंट नाउ दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज अप डाउन और उसको एक्सप्लोर आप कितना कर सकते हो और बहुत डेप्थ में जा सकते हो दैट इज़ एन ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिस के जैसे पोलिटिकल साइंस का सवाल है कि वट इज़ अ फेडरेशन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनिट्री सिस्टम्स ऑल्सो एलूसिडेट विच इज़ बेटर फॉर अ पार्लिमेंट्री डेमोक्रेसी नाव इसमें एक्जैक्टली exactly पता है कि वो आपसे क्या चीज़ें डिमांड कर है उसने खुद आपको कैटेगरीज बता कर दी हैं तो दैट इज़ अ मोर क्लोज डैंडड क्वेश्चन जो क्लोज डैंडड सवाल होते हैं वो बेहतर होते हैं क्योंकि उसमें आपको पता होता है एग्जैक्ट आपने क्या करना है उस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है हर टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है क्योंकि उसके पासपेपर के क्वेश्चन बड़े क्लियर होते हैं उस टॉपिक के ऊपर तो ऐसे सब्जेक्ट्स बेहतर होते हैं तो वैन यू लुक फॉर अ सब्जेक्ट तो आप देखें कि उसका सिलेबस की एक्सटेंड कितनी है तो कितना क्योंकि इसकी ये दिस इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर द टाइम दैट यू विल स्पेंड और प्रिपेयरिंग तो एक्सटेंट ऑफ सिलेबस देखना है अपने फिर उसके बाद आपने नेचर ऑफ आप क्वेश्चंस देखनी है और नेचर ऑफ़ क्वेश्चंस पास पेपर्स में आपने देखना है कि क्या उसके रिपीट होते हैं सवाल के नहीं और क्या ओपन एंडेड सवाल ज़्यादा आते हैं या क्लोज एंडेड सवाल ज़्यादा आते हैं आखिरी चीज़ इज़ वट इज़ commonly known as the scoring trend. So first, may I would like to break a myth, which I believe is a myth, is that there's such there is such thing as scoring trend. But at best, in अगर मैं इस argument को बहुत weightage भी दूँगा कोई scoring trend की नाम की चीज़ होती है, तो ये बड़ा एक arbitrary और unreal चीज़ है. Uh, अगर ये unreal नहीं है, तो ये arbitrary ज़रूर है. That is to say that it is not predictable. दैट इज़ टू से ये जो एक बहुत हमारे मुफ़्रीन जो खासतौर पर सी एस एस मार्केट के अंदर बहुत मौजूद हैं वो सी एस एस गुरूज़ जब अपने बहुत बड़े बड़े जहन दिमाग लगा कर बैठते हैं और फिर स्कोरिंग ट्रेंड्स का अनालस करके प्रडिक्ट भी करने की कोशिश करते हैं तो देट इज़ जनरली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट आई थिंग एट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू बिगिन विद बिकॉज अगर तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप इसको प्रडिक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभार कुछ सब्जेक्ट्स में किसी दो साल अच्छे नंबर आ गए कभी तीन साल आ गए ऐसा नहीं है कि एक एक साल की ऑल्ट्रेसन होगी सब्जेक्ट्स के अंदर सो यू वुड नेवर नो वट आई थिंक वट हैपन्स इज़ दैट जनरली स्कोरिंग ट्रेंड से ज़्यादा ट्रेंड से ज़्यादा यानी कोई प्री मेडिटेड ट्रेंड से ज़्यादा होता ये है कि सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होती है कभी कभार एग्जामिनर ज़्यादा ओपन एंडेड सवाल डाल देता है ज़्यादा एनालिटिकल सवाल डाल देता है एम मुश्किल बना देता है काफ़ी तो उससे ऑटोमेटिकली एवरेज स्कोर ड्रॉप्स एंड वेन द एवरेज स्कोर ड्रॉप्स पीपल जस्ट थिंक एस जी ट्रेंड इस हवाले से इस दफा कट लगा दिया है एफ पी एस सी ने इस सब्जेक्ट के ऊपर सो दैट माइट नॉट नेसेसरली बी ट्रू वट इन रियलिटी मे हैव बिन हैपनिंग इज दैट के सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर ने इंक्रीज की हो विद डिफिकल्ट एम सी क्यूज विद मोर एनालिटिकल क्वेश्चन विद मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन विद क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर डेप्थ विच विध क्वेश्चन दैट आर मोर अनकेंशनल जिसकी वजह से लोगों की कन्वेंशनल प्रपरेशन से उतनी अच्छी ना हो सके तैयारी और उस सब्जेक्ट में उनके उस साल रेलिटिवली कम नंबर आएँ और एवरेज ओवरऑल नीचे चली जाए उस सब्जेक्ट के अंदर और आप उससे यह अहज़ करें कि जी स्कोरिंग ट्रेंड नीचे चला जाए बट बहर हाल एक सब्जेक्ट की आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली नंबर किस हिसाब से आते रहे हैं लोगों की प्रपरेशन कीपिंग एवरी थिंग कॉन्स्टेंट कीपिंग एवरी थिंग एल्स द सेम तो नंबर्स चेंज होते हैं हम उसको मैं भी इस लेक्चर में स्कोरिंग ट्रेंड कहूँगा विच आई डोंट थिंक इज़ एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वट एक्चुअली हैपन्स इन रियालिटी तो अब आपके पास ये पाँच जो हैं वो फैक्टर्स uh, आ गए आपका स्किल आपका इंटरेस्ट ओवरलैपिंग नेचर ऑफ़ द सब्जेक्ट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और स्कोरिंग ट्रेंड

यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर करना है इस हवाले से फॉर इंस्टेंस फिजिक्स है और आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है तो इसका मतलब आपका स्किल भी है उसमें उसका उसमें अच्छा स्कोर भी आ जाता है बिकॉज अ साइंस सब्जेक्ट उसके क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं जो हार्ड साइंसिस के जैसे होते हैं लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट से ओवरलैप नहीं करता तो आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए क्योंकि मेजर फैक्टर्स पर वो पूरा होता रहा है इफ़ इफ अ सब्जेक्ट फुलफ़िल्स द क्राइटीरिया ऑफ ऑन मेजॉरिटी ऑफ़ दिज फाइव फैक्टर्स तो दैन यू शूड ऑप्ट फॉर इट तो बहुत दफ़ा ये ट्रेड ऑफ्स आपके सामने इस तरीके के आएँगे इन ट्रेड ऑफ्स को देखते हुए आपने जो है वो अपना फैसला करना है अच्छा अब ये बात एक दफ़ा दोबारा रिटरेट कर दूं मैंने पहले बताई है कि ये फाल सारे पांच फैक्टर आपको एक सब्जेक्ट में मिलेंगे कहाँ से वो आपको ऑब्वियसली उसका सिलेबस का डेप्थ में एनालिसिस करके और उसके पास पेपर्स को देख के और उसका एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट किस किस्म का है इस सब्जेक्ट में मेरी स्किल है या नहीं है इस सब्जेक्ट में, में मेरा इंटरेस्ट है बन सकता है या नहीं बन सकता ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे सब्जेक्ट से कि नहीं इसका नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या ये सारी चीज़ें आपको पास पेपर्स इन पर्टिकुलर देख अंदाज़ा होगा और आगे वाले लेक्चर में हाउ टू मेक नोट्स वाला जो लेक्चर है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि पास पेपर से इनफॉर्मेशन कैसे आपने अखस करनी है और प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है अपने टॉपिक्स को ठीक है तो ये वो चीज़ें हैं इंटरेस्ट एक है ऐसी चीज़ है जो कि हो सकता है कि आपको इमीजिएटली ना आइडेंटिफाई कर सको एक तो ये कि आपने इंटरेस्ट अपनी ज़िंदगी में कैरी फॉरवर्ड किया है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ दफ़ा ऐसा होगा कि आप सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे कुछ दिन पढ़ोगे दो तीन दिन पढ़ा आपने तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें बनने को मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा वट वी ट्राई टू डू एट नीयर पीयर इज़ दैट कि आपका सारे सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग हो, इतने इंगेजिंग हो, दैट दे कैप्टिवेट योर इंटरेस्ट बट अदरवाइज आपने चूँकि खुद भी रीडिंग करनी है खुद भी पढ़ना है तो आप थोड़ा बहुत जब ख़ुद भी पढ़ोगे एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ लो बेशक किताब से ना पढ़ो उसके कुछ जो पास पेपर के सवाल हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करो तो इन अ फ्यू डेज यू वुड रिकगनाइज़ के अच्छा ये सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है दैन uh, टू मेक लाइफ मोर इजी और आईव ट्राइड टू डू इज़ कि मैं आपको एक कंपेरिटिव समरी दूंगा तमाम ऑप्शनल कोर्सेज़ की इन मेजर फैक्टर्स और इंडिकेटर्स के ग मगर उससे पहले चूंकि मैंने आपको ओपन एंडेड और क्लोज रैंडेड सवाल पर एक थोड़ा सा डेमो या थोड़ी एक्सपेलनेशन दे दूँ ताकि आपको मेरी बात समझने में ज़्यादा आसानी हो अब यह इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है हम कंपेयर करेंगे कि ओपन एंडेड सवाल से मेरा क्या मुरादा है और क्लोज रैंडड से मेरा क्या सवाल है आप ये देखें आई आर का ये पेपर मैंने एज अ डेमो उठाया दो हज़ार सत्रह का What are the essential differences between liberal, internationalist, and realist theories? In your opinion, why is liberalism, realism the most dominant theory in the discipline of IR? Now, this is a closed-ended question. Okay? In you You maximum differences, reasons dominant. The and post positivist and post-positivist debate offers a striking contrast in terms of approach and methodology to the study of IR. Describe, compare, and critically evaluate the divergence between the two debates. Are there any points of convergence? This is also partially closed-ended because it has not all the contours but broadly you know exactly what you have to the nation-state is in a flux with an independence referendum in Scotland and another projected in Catalonia in September 2017. Critically evaluate reasons as to why the modern nation-state in Europe faces internal challenges to its sovereignty and territorial integrity. This is also partially closed-ended because still you still more analytical depth You have to define yourself the answer Now compare The rise of China is being heralded as a return of balance of power, politics and an IR. एज द वर्ल्ड मूव टूवर्स मल्टीपुलैरिटी अकाउंट फॉर दसेंशियलियलियलियलियल फीचर्स ऑफ द इंटरनेशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इवॉल्विंग डायनामिक्स अब ये असेंशल फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो क्लोज डेंडेड चीज़ है आपको पता है कि ये असेंशल फीचर्स होते हैं आप लिस्ट कर देंगे लेकिन उसके इवाल्विंग डायनमिक्स मल्टीप्लैरिटी को उसके अंदर फिट करना और चाइना के कॉन्टेक्स में बैलेंस ऑफ पावर को एवेलुएट करना फिर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंस्टेंसिस डालें आप साउथ चाइना सी डालें अफ्रीका डालें सी पैक डालें किन पर फोकस करें किन पे फोकस ना करें तो ये दैट मेक्स दिस क्वेश्चन लार्जली ओपन एंडेड कि आपको खुद बहुत ज़्यादा चॉइसेस लेनी पड़ेंगी खुद एनालिसिस इसका डेवलप करना पड़ेगा डेप्थ में और ख़ुद इसके कॉन्टूबर्स डिफाइन करने पड़ेंगे दैट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन द प्रॉब्लम विद ओपन एंडेड क्वेश्चन कि उसमें आपको कभी कभार कम नंबर मिलते हैं क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर की परसेप्शन के इस सवाल में क्या क्या चीज़ आनी थी वो कम हो Uh, वो डिफरेंट हो आपकी परसेप्शन से कि इसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वट शुड भी इंक्लूडेड इन द आंसर माइट भी डिफरेंट फ्राम वट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग ठीक है uh, अब ये देखें डू यू अग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म स्टैंड टू एक्सपेक्ट द थर्ड वर्ल्ड अब इसमें ऑब्वियसली वर्ल्ड सिस्टम्स थी और डिपेंडेंसी थी और उनके कॉन्टेक्स होगा uh, कुछ सेट पैटर्न वाली चीज़ें हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद चूज़ करनी पड़ेंगी जो टॉपिक ने क्वेश्चन ने खुद डिफाइन नहीं किया आपके लिए कि आपने क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है कौन सी एग्जांपल्स करनी है किस तरह की चीज़ें करनी है तो इसलिए ये भी एक ओपन एंडेड सवाल है अगेन ईवेलुएट द स्ट्रेटिजिकली कंपेटेटिव डायनामिक ऑफ पाक इंडिया रिलेशन इन द कॉन्टेक्स ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग टाइज विद चाइना एंड इंडियाज इज इंक्रीज इंड विद यू एस मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन अगैन ये सवाल भी बहुत ओपन एंडेड है इसी तरीके से एक और देखें अ सिंगल कैरस्ट्रॉफिक इवेंट नाइन इलेवन टर्न दर्ल्ड टॉपसी टू वी डिस्कस वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन नाइन इलेवन के इतने इंपैक्ट्स हैं किन पे फोकस करें कितना करें कोई चीज मिस ना हो जाए एग्जामिनर ने हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट हो तो इसलिए ओपन एंडेड सवालों में रिलेटिवली कम मार्क्स आते हैं कंपेयर्ड टू क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगेन विजुअलाइज द पोस्ट तालिबान इन अफगानिस्तान डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान ओपन एंडेड क्वेश्चन कम्प्लीटली आपने खुद जो है वो उसको करना है उसने खुद आपके लिए कोई बाउंड्रीज या पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए अलॉन्ग विच यू शुड आंसर पाक चैंड रिलेशन हिस्टोरिक टाइम सस्टस्ट है डिवॉर्ड द मोमेंटम ऑफ द रोन एंड आर कंटिन्यूइंग अगेन ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चन ये सारे ज्यादातर इसके अंदर ओपन एंडेड सवाल हैं और ये दो हज़ार सत्रह का पेपर है दिस इज द इन विच आई आर में नंबर कम आए थे विच इज़ वाई मैंने वो स्कोरिंग ट्रेंड वाली बात की थी कि कभी कभार होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ़ द एग्ज़ाम गोज़ अप उसके अंदर ओपन एंडेड सवाल ज़्यादा आ जाएंगे एनालिटिकल सवाल ज़्यादा आ जाएंगे जिसकी वजह से नंबर कभी कभार कम आ जाया करते हैं इसके मुकाबले में पोलिटिकल साइंस का आ, ये भी अगेन आई का ही एक पेपर है पेपर टू है दो का ये 2015 का था अच्छा ये 2017 हज़ार सत्रह का एलेबरेट सिस्टम थिंकिंग थी इन व्यू ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबलाइजेशन ओपन एंडेड सवाल बिटवीन इंडियन पाकिस्तान एंड ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ टेररिज्म ठीक है तो यू कैन सी दैट दीज आर अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन ये वही दो का पेपर है जिसमें कम मार्क्स आए थे लोगों के कंपेयर दिस विद पोलिटिकल साइंस कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पोलिटिकल फिलोसफीज़ ऑफ हॉब्स एंड लॉक हॉब्स एंड लॉक की जितनी पोलिटिकल फिलासफी है उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनको कंपेयर करें हाउ आर दीज फिलोस इंप्लीमेंट इन प्रेजेंट डे पोलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसी मेकिंग और दुनिया में आज कौन कौन से इंस्पायर मॉडल्स हैं और उसमें बड़ा एक फिक्सड टेक्स्ट मौजूद है पोलिटिकल साइंस के अंदर कि वो फिक्स चीज़ें आती हैं मार्क्स की ये पूरी थीरी ऑफ है उसने एक कोटेशन दी है लेकिन ये कोटेशन रिलेट्स टू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म तो उसमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो पूरी थीरी है ठीक है और जो उसकी आइडियोलॉजी और बेस सुपर स्ट्रक्चर वाली थी है वो पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाएगी डिस्कस दी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रूलर्स एंड रूल इन द सोशल पोलिटिकल थाट ऑफ इबिन खुलदून ये उसकी अस्पिया की जो थी है इबन खुलदून की वो पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाएगी सोशल सॉलिडारिटी वाली ठीक है कैरेटरिस्टिक्स ऑफ वट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लीड टू अडोप्शन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़े लिस्टेड हैं डिफाइंड हैं हाउ इट कैन फंक्शन सक्सेसफुली क्या प्री रेकुजिट्स हैं कौन से वो बड़े सीधे सीधे लिस्ट हो जाएंगे पोलिटिकल पार्टीज़ का और इंटरेस्ट ग्रुप्स का क्या रोल होता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनके रोल में और क्या डिफरेंसेस हैं वो लिस्ट करने हैं आपने व्हाट इज़ फारशिज्म फारशिजम क्या है एंड वाई इज़ इट कंसिडर चार्ट ट्वेंटी एट सेंचुरी इवेंट्स डेट टू प्लेस इन यूरोप तो इसके काजेस क्या थे राइज के यूरोप में सो यू सी दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बड़े फिक्स कंटूवर्ड्स क्वेश्चन ने खुद डिफाइन किए आप इसमें क्रिएटिव हो सकते हैं और हम होते हैं पोलिटिकल साइंस के कोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया हम चार्ट्स डालते हैं हम हम क्रिटिकल एनालिसिस खुद भी करते हैं क्रिएटिव एग्जांपल्स देते हैं डिफरेंट चीज़ें करते हैं कोटेशंस डालते हैं बट इन एंड ऑफ इट सेल्फ द जिस्ट एंड सेंट्रल आइडिया विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन इज मोर डिफाइंड बाय द एग्जामिनर इट्स सेल्फ इन द क्वेश्चन तो इसलिए इस तरह के पेपर्स में बड़ी प्रडिक्टेबल आंसर्स होते हैं uh, तो एग्जामिनर और आपका परसेप्शन ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा उस सवाल का दिस वेरी लेस लाइकली के वो डिफरेंस आए तो इसलिए क्लोज एंडेड सवाल आपके लिए आसान होते हैं ईजी करना ओपन एंडेड सवालों में ये है कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी अच्छी रीडिंग है बड़े मल्टीफेल मल्टीफेसटेड अंडरस्टैंडिंग है तो आप ज़्यादा बेहतर उसको टैकल कर सकते हैं बट क्लोज एंडेड सवालों में आप कम तैयारी के साथ भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगेन पोलिटिकल साइंस पेपर टू दो हज़ार सत्रह वाला सिलेंट फीचर ऑफ जुडिशल सिस्टम ऑफ फ्रांस और ये पाकिस्तान और ब्रिटेन से कैसे डिफरेंट है स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन यू एस सैनेट क्यों सबसे पावरफुल अपर चेम्बर है uh, और इसको आप अपर हाउसेज से कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान के ये बहुत एक ज़्यादा रिपीटड सवाल है बड़ा सीधा सीधा सवाल है ठीक है वट आर द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेडरेशन इन पाकिस्तान वो सारे आप लिस्ट uh, करें और फिर कंपेयर करें कि यू एस फेडरेशन और पाकिस्तानी फेडरेशन में क्या डिफरेंट चीज़ें हैं पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशन ऑफ द एटींथ अमेंडमेंट एटीन अमेंडमेंट ने चार चीज़ें चेंज चीज़ की थी uh, वो चारों की चारों चीज़ें जो हैं और उनके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनस जुडिश्री और लीगल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस एंड दैन द एडिशन ऑफ़ न्यू फंडामेंटल राइट्स इन चार थीम्स के अंदर फिर काफ़ी सब चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने लिखनी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे सो ये है क्लोज एंड ओपन एंडेड वाली बात अब हम कंपेयर करते हैं इस नॉलेज के बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स को जो अभी तक हमने डिस्कस किया है